टेक्नोलॉजी के इस जदीद दौर में पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट के एडमिशन ऑनलाइन अप्लाई की मालूमात मेडिकल कॉलेजेस के दाखिलों और एमडी कैड की मुकम्मल रहनुमाई मेडिकल इंजीनियरिंग लॉ और फाइनेंस के एंट्री टेस्ट कंप्यूटर साइंस मीडिया स्टडी सोशल स्टडी और बिजनेस स्टडी के तमाम प्रोग्राम यूनिवर्सिटी के एडमिशन शेड्यूल मेरिट लिस्ट की मुकम्मल तफसीलात नेशनल और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप बोर्ड के इम्तहानात दाखिलों रिजल्ट और इम्प्रूवमेंट की मुकम्मल इंफॉर्मेशन आर्मी नेवी और एयरफोर्स के तमाम प्रोग्राम गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब ऑनलाइन अप्लाई और तमाम जरूरी अनाउंसमेंट और नोटिफिकेशन और तलीमी न्यूज़ हासिल करने के लिए पाकिस्तान के वाहिद सबसे बड़े चैनल हाउ अर्निंग को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सदीक नवाज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एफएससी पार्ट वन के फिजिक्स के पेपर की, जो कि अभी हाल ही में वो दो तीन दिन बाद यानी कि फ्राइडे को जो पेपर है फिजिक्स का, उसका पेपर पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। अभी न्यू नोटिफिकेशन आई है जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन का थोड़ा सा पेपर पैटर्न चेंज किया है और बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है वो सेम ही है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। तो लॉन्ग क्वेश्चन के किन किन क्वेश्चन को चेंज किया गया है अभी आपके साथ लैपटॉप पे आपको टाइप किए हुए हैं मैंने क्वेश्चन, न्यू पेपर पैटर्न वो दिखाते हैं। तो मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने एमएस वर्ड में ऑलरेडी जो स्कीम है वो टाइप की हुई है। हाउ अर्निंग हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बात स्टार्ट करते हैं जनाब एफएससी पार्ट वन के जो जुम्मे वाले दिन पेपर है उसकी। हाल ही में जो है वो उन्होंने पेपर पैटर्न को थोड़ा सा चेंज कर दिया। पेपर पैटर्न लॉन्ग क्वेश्चन का चेंज किया है, शॉर्ट क्वेश्चन पहले वाला ही पेपर पैटर्न है। तो मैंने जस्ट लॉन्ग क्वेश्चन को यहाँ पे टाइप किया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है 5, क्वेश्चन नंबर 2 भी शॉर्ट का होता है, 3 भी और 4 भी। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 होता है जी लॉन्ग क्वेश्चन का, उसमें है जी पार्ट ए जो है वो चैप्टर नंबर 1 और 2 में से आएगा, जबकि इससे पहले वाला जो पैटर्न था उसमें जो पार्ट ए था वो चैप्टर नंबर 2 ओनली था, लेकिन इसमें उन्होंने चैप्टर नंबर 1 भी ऐड कर दिया है। अब पार्ट जो 2 आएगा यानी कि पार्ट बी जिसे कहते हैं वो आएगा चैप्टर नंबर 3 से। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है उसका पार्ट ए आएगा जी चैप्टर नंबर 4 से और पार्ट बी आएगा चैप्टर नंबर 8 से। ये ओनली स्कीम है जो आपको बता रहा हूं, बाकी ये आपको कोई गैस वगैरह नहीं दे रहा। उसके बाद है चैप्टर नंबर 7 है जो कि पार्ट ए उसका आएगा चैप्टर नंबर 5 से और पार्ट बी उसका आएगा चैप्टर नंबर 6 से। उसके अलावा इन्होंने थोड़ी सी यहां पे चेंजिंग की है चैप्टर नंबर 8 के अंदर। यहां पे लिखा हुआ है लास्ट लीस्ट 2 पॉसिबिलिटी आर ओपन पेयर्स, दो पॉसिबिलिटी इन्होंने बनाई है, दोनों में से कोई एक आ सकती है। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है जी, क्वेश्चन नंबर जो 8 आएगा उसमें पार्ट ए आएगा जी चैप्टर नंबर 7 से और पार्ट बी आएगा जी चैप्टर नंबर 11 से, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 उसका पार्ट ए आएगा जी चैप्टर नंबर 9 से और पार्ट बी आएगा जी चैप्टर नंबर 10 से। अब इन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर 8 और 9 के अंदर थोड़ी सी चेंजें करके पॉसिबिलिटी 2 बना दी है, इसके 20% से लेस चांसेस हैं कि ये ऐसा हो पाएगा कि ये पॉसिबिलिटी आएगी सेकंड वाली की, लेकिन आ सकती है जो कि न्यू पैटर्न के मुताबिक उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 आएगा पार्ट ए का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 से और पार्ट बी का न्यूमेरिकल या क्वेश्चन आएगा चैप्टर नंबर 9 से, जबकि ऊपर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 में चैप्टर नंबर 7 तो वही है पार्ट ए में, लेकिन पार्ट बी में चैप्टर नंबर 11 शामिल है और यहाँ पे पार्ट बी में चैप्टर नंबर 9 शामिल है जबकि पार्ट ए में चैप्टर नंबर 7 ही है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है इसका पार्ट ए चैप्टर नंबर 10 से आएगा और पार्ट जो बी है वो चैप्टर नंबर 11 से आएगा, जबकि ऊपर वाली स्कीम जो देखी जाए जिसमें पार्ट ए है वो 9 से ही आएगा और पार्ट बी चैप्टर नंबर 10 से आएगा, यानी कि इन्होंने 10 और 11 को चेंज किया है थोड़ा सा, तो इस वजह से स्टूडेंटों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप उसी हिसाब से इस पेपर पैटर्न को मद्देनजर रखकर तैयारी कीजिएगा। जैसे ही कोई न्यू इसके अलावा कोई चेंजिंग करते हैं तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ उसी टाइम शेयर कर देंगे। अल्लाह पाक आप तमाम जो पेपर देने वाले हैं उनको कामयाब करें, हमारी दुआ है। आमीन।